फ्रेंड नमस्ते, मैं अनीता बलियर, अनीता बलियर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बनाएंगे भगर भगर के या फिर समा के चावल से उपमा। तो मैंने एक प्याला भगर लिया है, या फिर आधी कटोरी ले लो, बहुत हो जाता है एक व्यक्ति के लिए, या फिर हम दो मुट्ठी ले लेंगे, एक मुट्ठी ये और ये एक मुट्ठी, ऐसे करके मैंने दो मुट्ठी भगर लिया है। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने एक बड़ा आलू लिया है, एक मिर्ची, अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, छोटा सा टुकड़े को ग्रेट कर लिया है, काली मिर्ची, जीरा और सेंधा नमक और हल्दी, घी या फिर आप तेल भी ले सकते हैं, एक चम्मच घी डाला और उसमें मैं मूंगफली के दाने को रोस्ट कर दिया। मूंगफली के दाने भी हम अपनी इच्छा अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। देखिए बढ़िया रोस्ट हो चुके हैं और हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और वैसे ही हम एक चम्मच घी डालेंगे, घी या फिर तेल भी डाल सकते हैं। और ये आलू, आलू को मैंने काट के पानी में भिगो के रखा था, अगर बाहर रखेंगे तो ये आलू काले पड़ जाते हैं। और इस आलू को भी हम रोस्ट कर लेंगे। आलू भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, आलू को मैं एक बर्तन में निकाल लूंगी और इसी में एक चम्मच डालूंगी और घी, घी या फिर तेल डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे जीरा, देखिए जीरा, थोड़ा सा जीरा डाला, पांच छह काली मिर्ची को दरदरा कूटा और डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्ची और अदरक, ग्रेट किया हुआ अदरक। इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, तोड़ के डाले या फिर ऐसे भी हम डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर और एक गिलास पानी डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। और आलू को भी डाल देंगे। भगर को भी डाल देंगे। भगर को मैंने दो तीन पानी से धो लिया है। इसको हम ढक के रख देंगे। ढक्कन निकालेंगे और इस भगर को हम घुमाएंगे और इसमें हम डाल देंगे दही, थोड़े खट्टा होने के लिए हम दही डालेंगे, दही या फिर हम नींबू भी डाल सकते हैं। और इसे भी हम घुमा लेंगे। दही डालने से हमारा उपमा बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। देखिए दही पूरा घुल गया है और हम धीमी आंच करके इसको ढक कर रख देंगे।
हम उपमा देखेंगे। बढ़िया बनकर तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और गैस को करेंगे हम बंद। और हम बाद में डालेंगे हमने रोस्ट किए हुए मूंगफली के दाने। बाद में डाले तो रोस्ट किए हुए दाने अच्छे लगते हैं, नहीं तो अगर हम इसके साथ में पकाएंगे तो मूंगफली के दाने नरम हो जाते हैं। देखिए अपना भगत या फिर समा के चावल का उपमा बनकर रेडी हो चुका है। आपको आज का समा के चावल का उपमा बनाने की रेसिपी कैसी लगी है तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।